आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। क्वेश्चन हियर इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला व्हेन कर्व लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला। ठीक है, देखिए इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये कि पैराबोला बनता कैसे, कैसे हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, पैराबोला सिंपली पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से जिसकी डिस्टेंस हमेशा क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। जैसे ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये डिस्टेंस जो अगर ये पी पॉइंट है दैट इज ए दैट इज बी, और ये जो आप लाइन देख रहे हो इस लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ए कॉमा जीरो दैट इज फोकस। ठीक है, तो इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं वर्टेक्स इसका क्या होगा, वर्टेक्स हो जाएगा जीरो जीरो, वर्टेक्स इज दिस वन। ठीक है, फोकस, फोकस इसका हो जाएगा ए कॉमा जीरो, ये जो पॉइंट है वो ए कॉमा जीरो है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए एक्सिस मतलब जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है, जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है वो है एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि वाई इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स के ऊपर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगी, ये वर्टेक्स है इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन, यानी कि y एक्सिस x इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, देखिए डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन है, ये डिस्टेंस अगर ये पॉइंट, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट की डिस्टेंस ये वाली और ये दोनों डिस्टेंस जब सेम होंगी तो मतलब बड़ा साफ है कि ये डिस्टेंस भी ये होनी चाहिए, ये भी ये होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी x प्लस a इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो लाइन है वो है x इक्वल टू माइनस a, यहां से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस a। ठीक है, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टम की, लेटरल रेक्टम की लेंथ क्या होती है, तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टम, लेटरल रेक्टम ये लेंथ हमारी होगी 4a, एंड पॉइंट्स ऑफ, आगे मैं लिख रहा हूं एंड्स पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के, देखिए लेटस रेक्टम है क्या, मैं फिर बता देता हूं आपको, जो फोकस से एक लाइन जा रही है ये लेटस रेक्टम है आपकी, और इसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे वो मैं लिख रहा हूं ए कॉमा प्लस माइनस टू ए। इक्वेशन क्या होगी भाई, ए से पास कर रही है तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि एल आर की इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू ए, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट ले लिया मैंने एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये आपका एक्स प्लस ए हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, एक्स प्लस ए, और फिर बचता है आपका पैरामीट्रिक, अगर आपसे कोई कहता है कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसके क्या होंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसके आएंगे 80 स्क्वायर कॉमा 280, मतलब कोई भी अगर आप कोऑर्डिनेट ले लोगे इसके ऊपर ये हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, सेंट्रिसिटी इसकी 1 ही होती है, क्यों, क्योंकि पी अपॉन पी भी अगर आप करोगे क्योंकि आपने पॉइंट लिया है तो वो 1 ही तो आएगा क्योंकि इक्वल है दोनों। ठीक है, आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हो, यहां से डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, ये डिस्टेंस इक्वल होनी है, ये पी के कोऑर्डिनेट ले लो एक्स कॉमा वाई, लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है, लाइन की इक्वेशन है एक्स
x प्लस ए इक्वल टू जीरो, और आप ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो इजिली, ये वाली, ये डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर। ये डिस्टेंस को आपने इस डिस्टेंस के इक्वल करना है। आप ये डिस्टेंस निकालिए क्या आ रही है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इसके ऊपर एक्स प्लस ए के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। ये आ जाएगा आपका, ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स कॉमा वाई से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालो इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि वन का स्क्वायर इक्वल टू किसके आना चाहिए, अंडर रूट एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए इक्वल टू एक्स प्लस ए इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, हाँ स्क्वायरिंग करने के बाद यही है, यहां भी स्क्वायरिंग होगी लेफ्ट साइड में, तो ये आ रहा है जी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से टू एक्स इधर जुड़ जाएगा इसके साथ, तो फोर ए एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से ये स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो आप इसको, कि वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स जो है पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है। पॉइंट क्लियर, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक्स फॉर चूजिंग डाउट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।